आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच के लिए पप्पू यादव ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सुशांत सिंह के मौत की सीबीआई से जांच की मांग की है। देश ने अपना हुनहार बेटा खोया है, यदि सुशांत को न्याय नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हत्या करार देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि आत्महत्या के जो दो लक्षण होते हैं, मुंह से जीभ का पाखर निकलना और गर्दन की हड्डी का टूटना, ये दोनों सुशांत सिंह राजपूत में नहीं पाए गए हैं। इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए ताकि फिर कोई सुशांत अपनी जान ना गंवाए। पप्पू यादव ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या नहीं, एक प्लान मर्डर है। करण जौहर सुशांत को टॉर्चर कर रहे थे। इसके अलावा सलमान खान, यशराज फिल्म्स, साजिद नादियावाला, टी सीरीज धर्मा प्रोडक्शन ने उन्हें बैन कर दिया था। परंतु आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते थे यह राम का रोल सुशांत सिंह राजपूत, यशराज के टैलेंट थे। बाद में यह फिल्म रणवीर सिंह को मिल गई, जबकि रणवीर सिंह भी यशराज के ही टैलेंट थे। बेफिक्र फिल्म में भी यही हाल हुआ। फिल्म वादा के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत को ना मिलकर यशराज के दूसरे टैलेंट रणवीर सिंह को मिल गया। दो फिल्म छिछोरे तथा गली बॉय रिलीज होता है एक साथ। छिछोरे फिल्म काफी अच्छा होने के बाद नेशनल अवार्ड के लिए नहीं गए। वहां के मीडिया और हाउस, खास तौर पर मैं जिसका नाम लिया अभी, करण जौहर, अनुराग कश्यप, फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े बैनर जैसे धर्मा, साजिद नदियावाला, तीस सीरीज, सलमान खान, दिनेश बीजन, बालाजी ने सुशांत सिंह राजपूत को बैंड कर दिया था। सिर्फ करण जौहर से उस फिल्म के कारण और अनुराग कश्यप को ना कहने के कारण इन लोगों ने सुशांत राजपूत के साथ में से छह फिल्म को इन्होंने छीन लिया और टॉर्चर करना शुरू हुआ। एक पार्टी में आदित्य पंचोली के बेटे से इनकी थोड़ी कहा सुनी हुई थी। वहां भी आदित्य पंचोली सलमान खान ग्रुप के और करण जौहर ग्रुप के आते थे। वहां भी ये सबसे बड़ी शंका थी कि कोई घटना न घटित हो। तीसरा मैं आता हूं मेडिकल में लास्ट, कि जब कोई आत्महत्या करता है तो उसके दो लक्षण होते हैं। पहला लक्षण जी बाहर निकलना, तीसरा गर्दन की हड्डी टूट जाना। ये दोनों लक्षण करण जौहर के नहीं पाए गए, अब सुशांत के नहीं पाए गए। अब आप हमें बताइए कि जब ये दोनों लक्षण नहीं थे सुशांत सिंह जी के।